वो गृहिणी उसका अर्थ क्या लगाएगी। तो देखिए अपन क्या बात कर रहे थे, अरे अपन बात कर रहे थे कि जो वेदना शब्द शक्ति है, तो ये तीसरी शब्द शक्ति है वेदना, कि जहाँ आविदा और लक्षणा अपने भावार्थ को प्रकट करने में असमर्थ हो जाए, वहाँ ऐसी स्थिति में व्यंजना अपना काम करती है और मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ को प्रकट करती है। जो पद के मूल में छिपा हुआ है या गद्य के मूल में छिपा हुआ है उस अर्थ को प्रकट करती है। और क्या है, एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करती है। तो यहाँ कह दिया सूर्यास्त हो गया, चरवाहे ने अपने हिसाब से लगा लिया कि चलो अस्त हो गया, अपने घर को चलते हैं। यहाँ पुजारी ने अस्त हुआ, चलो वो अपने मंदिर की पूजा पाठ करते हैं। गृहिणी ने अपना अर्थ लगा लिया क्या भाई, सूर्यास्त हो गया, चलो खाना चोला चौकी जो अपने बर्तन है या फिर रसोई का काम है वो अपना काम करते हैं। तो अब ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो यहाँ यही चीज़ क्या कहलाती है, व्यंजना कहलाती है। दूसरे अर्थों में आप इसको ठीक है, जैसे आपने लिखा कि क्या दिया है, स्कूल की घंटी बजी, ठीक है, स्कूल की घंटी बजी, अब छात्रों ने क्या समझा, अध्यापकों ने क्या समझा, जो चपरासी है पियोन जिसे कहते हैं उसने क्या समझा, घंटी बजी, अरे घंटी बजी, तो छात्रों ने अपना अपने हिसाब से उसका अर्थ लगाया कि मान लीजिए घंटी बजी है, पीरियड बदलेगा, दूसरा विषय पढ़ना है, है? यहाँ अध्यापक ने उसका अर्थ लगाया कि मेरा समय हो गया है, मुझे क्लास में जाके कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है। चपरासी है उसको उसकी जिम्मेदारी का जो काम है करने का उसको उसके काम का संकेत हुआ। तो एक ही चीज का जब लोग अपने अपने हिसाब से भिन्न भिन्न अर्थ लगाते हैं ना, वो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो देखिए अब व्यंजना जो है, व्यंजना अब देखिए व्यंजना जो शब्द शक्ति है इसमें क्या है, दो प्रकार की है, जिसमें एक तो क्या है शाब्दी व्यंजना है और दूसरी कौन सी है आर्थी। आर्थी का मतलब है जो अर्थ पर निर्भर है, आर्थी व्यंजन, आर्थी व्यंजन दो प्रकार की है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। तो देखिए अब अपन शाब्दी का मतलब है कि जहां व्यंग, शाब्दी का मतलब क्या है, जहां व्यंग शब्द पर निर्भर करता है, ठीक है, वहां शाब्दी हो गई। और जहां क्या दिया है, जहां व्यंग अर्थ पर निर्भर करता है तो वहां कौन सी हो गई, आर्थिक, क्लियर, कि शाब्दी व्यंजना और आर्थिक व्यंजना। अरे जहां शब्द व्यंग किस पर निर्भर करता है, शब्द पर, तो वहां शाब्दी हो गई। और जहां व्यंग किस पर निर्भर करता है, शब्द पर नहीं होकर शब्द के अर्थ पर निर्भर करता है, तो वहां क्या हो गई, आर्थिक। तो देखिए शाब्दी व्यंजना जो है, शाब्दी व्यंजना के उदाहरण, शाब्दी व्यंजना के उदाहरण जो है वो आप लिख लो, जिसमें दिया है, एक दोहा लिख रहा हूं मैं आपको, कि जिसमें दिया है चिर, क्या दिया है चिर जीवो, क्या दिया है चिर जीवो जोरी जुर, क्या दिया है जुर, क्यों ने सने गम, क्यों ने सने सने, क्या दिया है गंभीर को घटी, को
घटी घटी को घटी ये को घटी ये ब्रश भांजा ब्रश भांजा वे हल धरती वे क्या दिया है वे हल धर के वे। अब देखिए दूसरी चीज दूसरा उदाहरण जो श्लेष अलंकार है, अलंकारों का आपने नाम सुना है श्लेष, तो श्लेष में शब्द एक होता है, शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, वो सारे के सारे आप इसके उदाहरण होते हैं सातवीं व्यंजना के, जिसमें आपने लिखा है पानी, जिसमें कौन सा है कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो पानी पानी गए न उबरे उबरे क्या दिया है मोती मानस और क्या दिया है चून, क्या दिया है चून। तो तीन चीज है और शब्द एक है। तीसरा उदाहरण आपने सुना है सुवर्ण, सुवर्ण को क्या दिया है ढूंढ फिरे फिरे कौन दिया है वही तीन चीज कवि कवि कामी कवि कामी अरु अरु चो। तो तीन चीजें हो, इसका मतलब श्लेष जो अलंकार होता है श्लेष अलंकार में जो उदाहरण होते हैं, क्योंकि एक शब्द के कई कई उदाहरण होते हैं वो मतलब भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, वही चीज यहाँ भी दिखाई देती है आपको, इसीलिए श्लेष अलंकार के उदाहरण को आप इसमें लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ क्या दिया है कि चिर जो चिर जीवो जोड़ी जोड़ी चिर चिर माने लंबी जीवो, अरे वो लंबी जोड़ी क्यों नहीं जिंदा रहेगी, जोड़ी जोड़ी का मतलब जोड़ी क्यों नहीं सने गंभीर, क्योंकि उन दोनों के बीच इतना गंभीर सने है, सने का मतलब प्रेम, राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण में इतना घनिष्ठ प्रेम संबंध है कि उनकी जोड़ी क्यों नहीं लंबी चलेगी। क्या दिया को घट ये ब्रश बहाने जा, अरे कोई किसी से कम नहीं है, न तो राधा कृष्ण से कम है और न कृष्ण राधा से कम है, एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर है। क्या दिया को घट ये ब्रश बहाने जा को घट, अरे कोई किसी से कम नहीं है, घट ये ब्रश बहाने जा कि एक ब्रश बहाने जा है तो दूसरा हल्दर का वीर है। अब देखिए यहाँ ब्रश बहन जा का मतलब यहाँ क्या अर्थ है, ब्रश बहन जा का मतलब है ब्रश बहन की पुत्री राधा, ठीक है एक अर्थ तो ये हो गया इस शब्द का ब्रश बहन जा का कि ब्रश बहन की पुत्री राधा, एक का मतलब क्या हो गया ब्रश बहन जा, ब्रश माने होता है बैल और अनुजा बहन, तो यहाँ क्या हो गई एक अर्थ तो हो गया कि वो ब्रश बहन की पुत्री राधा है, एक अर्थ क्या हो गया कि ब्रश बहन जो है ब्रश शब्द का मतलब होता है बैल, बैल की बहन गाय, तो एक ही शब्द के दो अर्थ दे दिए ब्रश बहन का। अब देखिए दूसरी चीज क्या दिया है कि ब्रश बहन जा वृषभ शब्द है वो सूर्य के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है, तो तीसरा अर्थ इसका क्या दे दिया सूर्य की पुत्री, तो एक ही शब्द के तीन तीन अर्थ निकाल दिए। यहाँ क्या दिया हल धर, अरे हल धर, हल धर का मतलब है जो हल को धारण करने वाला कौन है बलराम, हल को धारण कौन करता है बलराम, कृष्ण को नहीं करता, कृष्ण तो बंसी को धारण करता है, तो हल धर की वीर, वीर का मतलब है भाई कि वो बलराम का भाई है अर्थात कृष्ण, और एक दूसरा क्या दे दिया हल धर, हल धर का मतलब है बैल, समझ लो, और तीसरी चीज क्या दे दी उसमें शेष नाग, हल धर शेष नाग अवतार जो है उसके रूप में दे दिया। तो ये एक ही शब्द को कई कई भिन्न भिन्न अर्थों में दिखाया जाता है, यहाँ दे दिया पानी गहे न उभरे मोती
मानुष्यों। पानी शब्द एक है लेकिन इनके साथ मोती के साथ इसका अर्थ चमक से है, मानुष के साथ इसका अर्थ उसके इज्जत उसके सम्मान से है, और चून का अर्थ चूना अर्थात पानी के बगैर उसका कोई उपयोग नहीं है। सीधी बात है क्योंकि मोती पानी में पड़ता है तो उसकी चमक से मतलब है, मानुष का मतलब है उसकी इज्जत उसके सम्मान से। अपन भी तो कहते हैं अपनी भाषा में आखिर को पानी निकल गुका भाई, आखिर का पानी के निकलने का मतलब है कि बिल्कुल बेकार होना, शर्म नहीं होना। तो फिर मानुष उसकी इज्जत उसके सम्मान से क्या है, यहाँ दिया है सुवरण, क्या दिया है सुवर सुवरण। अरे यहाँ कवि कवि ने सुवरण का अर्थ अलग लगाया है, कवि ने अलग लगाया है और चोर ने अलग लगाया है, शब्द एक ही है सुवरण। अरे कवि सुवरण का अर्थ लगाएगा तो सुमा ने अच्छा वरण माने शब्द अच्छे शब्द क्योंकि उसको काव्य रचना करनी है तो वो अच्छे उसे लगाएगा। यहाँ कामी, कामी का मतलब होता है जो व्यभिचारी पुरुष है, जो काम वासना से ग्रस्त है, जो क्या करता है अन्य स्त्रियों के साथ रमण करता है, वो व्यभिचारी व्यक्ति है। तो वो क्या लगाएगा सुवरण, सुमाने अच्छा वरण माने रंग, अच्छे रंग से मतलब रखेगा, रूप सौंदर्य को महत्व देगा। यहाँ क्या दिया है चोर, चोर का मतलब है कि जो चोर है चोरी करता है उसको सुमाने अच्छा वरण माने रंग, अच्छा रंग सोने से अच्छा रंग किसी चीज का नहीं होता, इसीलिए सुवरण का अर्थ उसने क्या लगा लिया सोने से, क्योंकि उसकी ने तो उसको अच्छे वर्णों से मतलब है ने उसको सुंदरता, तो उसका तो कब जब सोना मिलेगा जब चोरी काम होगी कामयाब होगी उसकी। तो अलग अलग एक ही शब्द के अर्थ को प्रकट किया जाता है। तो देखिए ये था शाब्दिक व्यंजन का। अब देखिए अब आर्थिक व्यंजन है, क्या दिया है दो, एक तो क्या थी इसकी साथ ठीक है और ये दूसरी क्या है अर्थ, जो अर्थ पर व्यंजन निर्भर करता है। तो जहां क्या दिया है जहां व्यंग अर्थ पर क्या करता है निर्भर, अर्थ पर निर्भर होता है वहां क्या है आर्थिक, आर्थिक व्यंजन होती है। अब देखिए यहां इसके उदाहरण, इसके उदाहरण क्या लिया है सागर, सागर तीर मीन तर फत है, सागर फुल सी क्या दिया है फुल सी हो तो, फुल सी हो जल पी, नीचे क्या दिया है। अब देखिए ये जो संबंध दिया है वो किससे दिखाया है कृष्ण और गोपी, गोपी कृष्ण और गोपियों का जो संबंध है उसको इसमें दिखाया है। और क्या लिखा है दूसरा, दूसरा आपने जो पढ़ा है कि अबला 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 जीवन, अबला जीवन हाय तुम्हारा, हाय तुम्हारी यही कहानी, यही कहानी क्या लिखा है आंचल में दूध, आंचल में दूध आंखों में पानी, आंखों में पानी, ये दो अर्थ है।
तो देखिए यहाँ दिया कि जहाँ व्यंग्यार्थ अर्थ पर निर्भर होता है वह सीधी बातें की आर्थिक व्यंजना होती है। यहाँ भी लिखा है कि सागर तीर मीन तलपत है भूल से होत जलपी। क्या है यहाँ क्या दिया? सागर तीर, सागर तीर, सागर का मतलब समुन्द्र है, तीर माने किनारा है, मीन माने मछली है, तलपत माने तड़पती है, ठीक है। तो सागर के किनारे पर रहके मछली तड़पे, क्योंकि अपन ने सुना है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, ये तो आपने सुन रखा है ना। तो क्या है सागर तीर मीन तड़पत है, अरे सागर से अलग होने पर मछली तड़पती है पानी के लिए, क्योंकि उसका जीवन पानी है, पानी के बिना वो संभव नहीं है जीवन उसका। तो हुल से होत जल पीन, और जैसे ही वो पानी में जाती है तो हुल से होत जल पीन, इसका मतलब जैसे ही पानी स्पर्श होता है, पानी पीती है या पानी उसको मिलता है ना, तो वो प्रसन्न चित हो जाती है, फिर उसका तड़पना बंद हो जाता है। जैसे कृष्ण गोपिया, अरे यहाँ जो चीज दिखाई है कि जैसे सागर के पानी से अलग होने पर मछली तड़पती है ना, उसी तरह से कृष्ण के चले जाने पर गोपियाँ तड़पती है विरह वियोग, और जब कृष्ण मिल गया तो हुल से हो तो हुल से माने प्रसन्न हो जाती है। तो उसके अर्थ को दिखाया है, यहाँ दिया है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, अबला जीवन, क्योंकि हमेशा से ही नारी जो है उसको अबला माना है, अबला अर्थात बल रहित अबला, लेकिन जब वो सिंह और दुर्गा का रूप धारण करती है तो अबला भी सबला बन जाती है, लेकिन नारी है अनेक तरह के बंधनों से बंधी हुई होती है, लेकिन जब जब राक्षसों का सहार हुआ है उसमें नारी दुर्गा का क्या मिला है? बल मिला है। तो अबला है, दिखाई है शुरू से ही, क्या दिखाई है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, कि यही कहानी युगों युगों से सुनते आ रही है। क्या दिया है कि अबला जीवन हाय, हाय का मतलब है बड़े दुख के साथ उसको संबोधन कर रहा है कि तुम्हारी यही कहानी कि आज से नहीं युगों युगों से मैं सुनता आ रहा हूँ कि आंचल में दूध और आंखों में पानी। अरे आंचल, आंचल का स्पर्श आंचल से है, और आंचल में उसकी क्या है? दूध। आंचल जो स्तर है, स्तरों को अपन आंचल बोलते हैं अपनी भाषा में, जो उसके आंचल है उन आंचलों में क्या है? दूध। अरे यहाँ दूध का तात्पर्य किससे है कि उसके आंचल जो है ना वो मात्र तप के भाव, वात्सल्य भाव से भरा हुआ है, और आंखों में पानी, और उसकी आंखों में इज्जत और मान सम्मान का जो पानी है ना वो भी भरा हुआ होता है। जितना बेशर्म आदमी होता है ना उतना बेशर्म औरत नहीं होती है, लेकिन अबला है, लेकिन जब सबला बनती है तो फिर सारे लोगों को आगे धर लेती है। इसीलिए नारी जो है उसका सम्मान करो, नहीं क्या किसी की भी बहन बेटी है उसको भी अपन सम्मान करो तो आपको भी सम्मान मिलेगा। तो इस प्रकार के आपके जो शब्द शक्ति वाला जो टॉपिक था वो समाप्त हो चुका है, और अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने ठीक पढ़ाया है तो आपसे करवद निवेदन है कि आप एक बार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आप इसी तरह से क्लास लेते रहेंगे और मेरा हौसला अफजाई करते रहेंगे तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि अच्छे से अच्छे प्रयास करके मैं आपके सामने आपकी जो समस्या है उनको मैं निराकरण करता रहूँगा। बाकी धन्यवाद।